हेलो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है आपके सामने। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण, और ये वाला क्वेश्चन सीबीएसई के 2023 के जो बेसिक का कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये क्वेश्चन। क्योंकि पढ़ने से पता लग जाएगा आपको भी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण चैप्टर से रिलेटेड है, तो पहले आपको दो फॉर्मूले यहां पर पहले से पता होने चाहिए जिनका हम यूज करेंगे। एक तो है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, हिंदी में इसको कहते हैं विभेदकर, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। और दूसरा फॉर्मूला होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर 2a। तो क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में इन दोनों फॉर्मूले का यूज हो सकता है, तो आप पहले ये दो फॉर्मूले लिख ही लें, ठीक है? आगे अगर कुछ गलती हुई तो इन फॉर्मूले के भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा है, आप क्वेश्चन को पढ़ना चालू करते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि आपके पास दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग दे रखा है। इसका मतलब यह है कि अगर मैं यहां पर दो वर्ग बनाता हूं, एक वर्ग मैंने ये बना लिया और एक वर्ग मैंने ये बना लिया। ये जो वर्ग बनाया है इसकी भुजा मैंने वाई ले ली, तो सारी भुजाएं वाई होंगी। और ये पहला जो मैंने वर्ग बनाया है इसकी सभी भुजाएं क्या होंगी, एक्स। वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर, क्षेत्रफल का मतलब एरिया, और इसका मतलब है सम। तो आपसे कहा है कि इनके क्षेत्रफल का जो योगफल है वो 468 है, तो पहले आप क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर, और यहां पर भी ये दूसरा वर्ग है तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा वाई स्क्वायर, मतलब भुजा गुणा भुजा। तो हमने दोनों ही वर्गों का क्षेत्रफल यहां पर लिख लिया, और आपसे कहा है कि दोनों ही वर्गों का जो क्षेत्रफल है उनका योग करोगे तो आपको 468 मिलेगा। इसका मतलब है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को हम किसके इक्वल लिखेंगे, 468 के इक्वल लिखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है। लिखा है यदि इन वर्गों की भुजाओं की लंबाई, तो ये पहला जो वर्ग है इसके भुजा की लंबाई है x, ये दूसरा वर्ग है इसके भुजा की लंबाई है y। तो तुमसे कहा है इनके वर्गों की भुजाओं की जो लंबाई है उसका अंतर 6 है। अब उसके अंतर का मतलब ये है कि जो दोनों वर्गों की ये भुजाओं की जो लंबाई है ना, इनका अंतर मतलब माइनस करके किसके इक्वल लिखना है, 6 के। तो अब आगे क्या फाइंड करने के लिए कहा है कि दोनों वर्गों की भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। तो इस तरह से हमारे पास यहां दो समीकरण बन जाएंगे आपके। तो आपको क्या करना है, ये जो दूसरा समीकरण है इसमें से y का मान निकाल लेते हैं। दूसरे समीकरण से y का मान कितना मिल जाएगा, 6 प्लस एक्स। और ये दूसरे समीकरण से जो y का मान आपको मिलता है ये पहले समीकरण में y की जगह रख देंगे। तो अगर मैं इसकी जगह रखूं तो ये हटाऊंगा इसको, इसको हटाकर इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, 6 प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, फिर आगे है प्लस, फिर ये है एक्स स्क्वायर, और उसके बाद है यहां पर 468। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्म लगाएंगे। तो कैसे लगाते हैं, पहले 6 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का प्लस लगेगा, फिर ये एक्स का स्क्वायर करेंगे, प्लस का प्लस लगेगा, और इसके बाद 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले से और दूसरे वाले से, 6 मल्टी, जिसको नहीं आता उसके लिए मैं समझा रहा हूं, प्लस, और लास्ट में क्या है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर, और यहां पर हमारे पास है 468। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ गया 36, ये आ गया एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स स्क्वायर को जोड़ोगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 12x, और वहां पर हमारे पास कितना है, 468। तो पहले हम 2x स्क्वायर लिख लेते हैं, फिर हम प्लस 12x लिख लेते हैं, फिर हम प्लस 36 लिख लेते हैं, और इसको अगर मैं यहां लेकर आता हूं तो मैं लिखूंगा -468 = 0। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हमने क्या करना है, ये 2x² ऐसी रहेगा प्लस 12x ऐसी रहेगा, इन दोनों को माइनस करते हैं तो आंसर माइनस में आएगा।
-432 आ जाएगा इक्वल टू जीरो। अब इस समीकरण को हम थोड़ा सा और हल करते हैं, सबको 2 से भाग कर देते हैं, सबको 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि सबके सब 2 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इससे हमें जो समीकरण मिलेगा वो थोड़ा सरल रहेगा। ये काट दो तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर। ये 6 से कट गया तो क्या बचा, 6x। ये 216 मिलेगा, और 0 को 2 से डिवाइड करोगे तो 0 हो गया। तो देखो फाइनली हमने ये वाला समीकरण पा लिया। अब इसके बाद कई बच्चों को गुणनखंड मेथड से भी आता है, फैक्टराइजेशन मेथड से भी इसको सॉल्व करना आता है, तो उससे भी कर सकते हैं, और जिनको नहीं आता उनके लिए विविधकर और फिर उसके बाद द्विघाती सूत्र लगाना ज्यादा आसान रहता है। तो क्योंकि ये द्विघात समीकरण बन गया, तो द्विघात समीकरण में आपको ए निकालना पड़ेगा, बी निकालना पड़ेगा, सी निकालना पड़ेगा। ए कहां से मिलता है, ये जो आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसके आगे जो भी नंबर लिखा होता है वो ए होता है, यहां नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वन हो गया। बी कहां से मिलता है, एक्स के आगे जो है ये हो गया सिक्स। सी कहां से मिलता है, जो लास्ट में नंबर होता है अपने साइन के साथ, तो -216। अब विविधकर निकालते हैं, जो होता है डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो बी हमारे पास कितना है सिक्स, तो सिक्स का स्क्वायर हो गया -4 × 1 × c, कितना है हमारे पास -216। अब सिक्स का स्क्वायर हो गया 36। अब ये देखो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो 864 आ रहा शायद, और इसको पूरा सॉल्व कर रहे हैं तो 900 आ गए हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद द्विघाती सूत्र लगाते हैं, जो होता है एक्स इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी ओवर क्या होता है, ओवर 2a होता है। माइनस का माइनस रहेगा, बी का मान ऊपर देखोगे बी का मान कितना है 6 है, प्लस माइनस डी का मान कितना है 900, और नीचे आपके पास हो जाएगा 2 × 1। अब इसको सॉल्व करना है तो -6 प्लस माइनस, तुम्हें 900 का जो वर्गमूल है वो पता होना चाहिए, पहले से 30 होता है, तो इसकी जगह अगले स्टेप में हम क्या रख लेते हैं, 30 रख लेते हैं, और नीचे हमारे पास कितना आ गया 2। एक्स इक्वल टू, अब यहां से इसके दो हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा तो होगा -6 माइनस और 30, -6 -30 और नीचे 2 है, और एक दूसरा हिस्सा और होगा -6 प्लस 30, -6 प्लस 30, और बट्टे में क्या लिखोगे 2। ये आपके पास आ गया -36/2, 36 को 2 से भाग करोगे तो 18 आएगा, तो ये -18 आ गया। यहां पर आप इसको हल करोगे तो आपको 24 मिलेगा, 2 से भाग कर लो तो ये 12 मिल गया। ये हमारा उत्तर नहीं हो सकता क्योंकि x एक्चुअल में भुजा है, भुजा की लंबाई है, और भुजा की लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, तो इसका मतलब हमें x का मान कितना मिल गया, 12 मिल गया। अब ये x का मान 12 को हम कहां रखेंगे, यहां रखते हैं, ताकि यहां भी रख सकते हो, या फिर यहां रख सकते हो, या फिर यहां रख सकते हो, आपकी मर्जी है। x का मान अगर 12 में यहां पर रखता हूं तो y बराबर आ जाता है 6 + 12, जो कि ये हो जाता है 18। तो प्रश्न में आपको दोनों भुजाओं की लंबाई निकालने के लिए कहा था, जो हमने यहां पर निकाल दी, और इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो गया है।